दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में सेक्शन 144 को इम्पोज किया हुआ है और आज इसी के मद्देनज़र रखते हुए हमने काफ़ी सख्ती से इसका इन्फोर्समेंट की है। दिल्ली के जितने भी नेबरिंग बॉर्डर्स हैं उनको सबको सील किया गया और इसमें जो इंटर बॉर्डर मूवमेंट है, जो हमारे NCR से आ रही हैं गाड़ियाँ, जो भी असेंशियल गुड्स एंड कमोडिटीज़ हैं उनके लिए किसी भी तरह के पास की ज़रूरत नहीं है। उनको नॉर्मली अगर मान लीजिए कि उनमें कोई खाने की सामग्री है, कोई मेडिकल के रिलेटेड किट्स है, तो बिना किसी पास के उनको वहाँ से एंटर करवाया जाता है। और इसके साथ साथ एक हमने अलग से लेन बना दी है जो कि हमारे नोएडा और गुड़गांव बॉर्डर में, जिसमें कि जो भी एग्जम्प्टेड सर्विसेज हैं, जैसे कि हमारी इमरजेंसी सर्विसेज और इनकी गुड्स, इमरजेंसी गुड्स और कमोडिटीज के मूवमेंट के लिए एक डेडिकेटेड हमने लेन बना दी है और वहाँ से जो एंट्री है वो अभी स्मूथ हो रही है। इसके साथ साथ मैं एक और कहना चाहूँगा कि जो हमने अभी पास का कहा है, अगर जो भी एसेंशियल सर्विसेज और कमोडिटीज़ के रिलेटेड आदमी हैं उनके विद इन दिल्ली मूवमेंट के लिए किसी भी तरह के पास की ज़रूरत नहीं है। वो अपना आई कार्ड दिखा सकते हैं और आई कार्ड के बेसिस पे ही उनका एक जगह से दूसरी जगह वो मूवमेंट कर सकते हैं, चाहे वो ई कॉमर्स की साइट्स हैं, हमारे प्रिंट और मीडिया के साथी हैं और इसके साथ साथ हमारा मेडिकल रिलेटेड जितने भी सर्विसेज हैं।